नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ऑनली के माध्यम से। दोस्तों, आज 5 मई 2024 की बड़ी अपडेट आई है, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आई है, जिसमें MPCHO के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक्सपर्ट के द्वारा बात करने पर रिजल्ट को लेकर जो अपडेट हमको दी गई है, वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रिजल्ट का लॉजिक क्या होता है, उसको लेकर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया अपडेट है आपको टाइम पे मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, देश में चुनाव का माहौल था, तो चुनाव ने जो है सारे रिजल्ट को इफेक्ट किया है, ये बात भी कंफर्म रूप से सही है। लेकिन एक रिजल्ट का आप लॉजिक नहीं समझते हैं। आप लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट रिजल्ट करते रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो फ्रेंड्स, जब भी कोई आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो लगभग 60 से 90 दिनों के अंदर रिजल्ट को जारी किया जाता है। यानी हमारी जो एग्ज़ाम है वो 29 और 30 मार्च को कंप्लीट हुई है। अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, वो 30 मई और 30 जून के बीच में आएगा। अब लोग आप रिजल्ट रिजल्ट कर रहे हो, तो भाई ये सरकारी काम है, इसमें आपको जो है वक्त देना पड़ता है। आप लोग बिना किसी शिकायत के, मतलब रोज़ एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। लेकिन 30 मई और 30 जून की टाइमिंग के बीच में ही रिजल्ट आएगा, ये बात की मैं कन्फर्म रूप से गारंटी दे सकता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।